दोस्तों स्वागत है आपका डे वन में। आज है पहला दिन बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिन यूनिवर्सिटीज में सर ऑब्जेक्टिव पेपर होने वाले हैं। लगातार 30 दिनों तक हम लोग ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करेंगे। डेली शाम को आपको 5 बजे क्लास मिला करेगा। आज है डे वन, चलिए शुरू करते हैं। और बहुत मेहनत से आपको समझाना पड़ेगा, ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिएगा कि ऑब्जेक्टिव है। सर जी 20 ऑब्जेक्टिव आएंगे, पढ़ेंगे और पढ़ के चले जाएंगे। नहीं, पूरे एक्सपीरियंस के साथ में आपको सिखाएंगे तो काफी कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं सर। एटॉमिक स्ट्रक्चर पहला क्वेश्चन हमने लिया है और सारे ये लिखे हुए होंगे, छठे हुए क्वेश्चन सर, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है, किसी ऑर्बिटल के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर का मान 1 होगा। किस ऑर्बिटल के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर का मान 1 होगा? देखो भाई, अब जब भी कभी आपको आपको पेपर देने हैं मेरे भाई मल्टीपल चॉइस, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जब हम यहाँ पे पढ़ाएंगे तो आप एक कॉपी लेके बैठना और एक रफ नोट्स बनाते चलना सर, ठीक है। उससे इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आप सॉल्व कर पाओगे बहुत कायदे से। देखना, इन्होंने कहा किस ऑर्बिटल के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर का मान 1 होगा। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये क्वांटम नंबर होती क्या है। तो मेरे भाई सबने छोटे क्लास में पढ़ रखा है कि एटम मतलब क्या होता है। एटम मतलब परमाणु। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो सब छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हैं, जिन्हें हम लोग परमाणु कहते हैं। जैसे ये बोर्ड परमाणु से मिलकर बना है, ये माइक परमाणु से मिलकर बना है, ये चश्मा परमाणु से मिलकर बना है। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सब छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है, जिन्हें हम लोग एटम यानी परमाणु कहते हैं मेरे भाई, ठीक। और परमाणु दो भागों से मिलकर बना होता है। एक भाग कहलाता है परमाणु का नाभिक यानी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और चारों तरफ चक्कर लगा रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन। चक्कर कौन लगा रहे होते हैं मेरे भाई? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं सर, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन कहां पे चक्कर लगा रहा है? चारों तरफ चक्कर लगा रहा, चारों पे वो कहां है? उस इलेक्ट्रॉन में ऊर्जा कितनी है, उसकी एनर्जी कितनी है, उसकी पोजिशन एग्जैक्ट क्या है, इसे बताने के लिए जिन संख्याओं का यूज करते हैं उन्हें हम लोग क्वांटम नंबर कहते हैं। आप सुनते रहो, आपको जो लगे इंपॉर्टेंट अपना नोट करते रहना सर, ठीक है। उन्हें हम लोग क्वांटम नंबर कहते हैं। क्या मतलब है सर? वे संख्याएं जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और पोजीशन को बताती हैं क्वांटम नंबर कहलाती हैं मेरे भाई। चार होती हैं क्वांटम नंबर, एन एल एम एस, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसे आप मुख्य क्वांटम संख्या कहते थे, एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसे आप दिगंशी क्वांटम संख्या कहते थे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसे आप चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते थे, और चक्रण क्वांटम यानी स्पिन क्वांटम नंबर हो गया सर, ठीक है। कैसे होएगा, क्या होएगा, समझाते हैं आपको। आपको क्या करना है, कह रहा किस ऑर्बिटल के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल मतलब एल से लिखते हैं इसे सर, ठीक है, का मान 1 होगा। तो आप एक टेबल बना लो, ऐसे करके लिखना एस पी डी एफ। चार ऑर्बिटल होते हैं मेरे भाई, कौन कौन से? एस पी डी एफ। सर जी एस पी डी एफ क्या होता है? एस पी डी एफ का मतलब यह होता है जहां पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना होती है, उन्हें सबशेल या उपकोष कहते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अगर इनमें इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये चार हैं एस पी डी एफ, ठीक है भाई। एस में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है भाई। जो हम पीछे बैकहेंड में चीजें बता रहे हैं, अगर आपको नहीं पता है तो आप लिखते हुए चलेंगे, ठीक है सर। बाकी ये पीडीएफ वगैरह तो आपको मिल ही जाएगी। तो आपको समझना ये, आपको ऐसे करके टेबल बनानी है एस पी डी एफ, और एल का मान इसके लिए 0, 1, 2, 3। जरा देखिए मेरे भाई क्या कह रहे हैं हम, आपने ऊपर टेबल लिख ली एसपीडीएफ। सर जी एसपीडीएफ क्या है? जहां पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना होती है उसे हम लोग सबशेल या फिर उसे हम लोग उपकोष कहते हैं। जैसे यहां इस चैनल पर इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, लेकिन इस क्लास में जब ये प्रीमियर चल रहा होगा, बहुत सारे लोग नीचे कॉमेंट करते हैं कि सर जी बोल नहीं रहे मेरे भाई, ये रिकॉर्डेड क्लास होता है, प्रीमियर लगा दिया जाता है। तो ओवरऑल ये है कि एसपीडीएफ का मतलब क्या, जहां इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना है। तो संभावना क्या है बताओ, एस पी डी एफ। एल का मान एस के लिए 0 लोगे, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3 लेना, आपको ये याद रखना है सर, ठीक है। तो कैसे आपने करा, एस पी डी एफ 0, 1, 2, 3 एजीमुथल क्वांटम नंबर का नाम निकलेगा। तो क्या कह रहा है, किस ऑर्बिटल के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर का मान 1 होगा?
फटाफट से आपने टेबल बनाई, जीरो एस के लिए, वन पी के लिए, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पी ऑर्बिटल। ये देखिए सर, तो पहले का सही आंसर हो गया पी ऑर्बिटल, यानी अगर आपसे कोई पूछता है L का मान S के लिए बताओ तो 0, P के लिए बताओ तो 1, D के लिए बताओ तो 2 और F के लिए बताओ तो 3, यानी ये आप टेबल पहले क्वेश्चन से सीखेंगे। इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इस टेबल को याद रखेंगे सर, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, किस एलिमेंट में डी इलेक्ट्रॉन है। अब डी इलेक्ट्रॉन को बनाने से पहले हम इसमें बहुत कुछ सिखा के जाएंगे आपको इस क्लास में, कहने के लिए मल्टीपल चॉइस है 15-20, लेकिन कम से कम ये आधे घंटे प्लस का क्लास होगा सर, देखिएगा। तो जब आप छोटे क्लास में होंगे मेरे भाई, तो आपने क्या किया होगा, आपने सीखा होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना। हम उसे हमेशा गाना बना के सुनाते हैं, जरा गाना मेरे साथ में गाइएगा। अरे बोलो, हो बने एस टू, टू एस टू, टू पी सिक्स, थ्री एस टू, 3P6, 4S2, 3D10, 3D10, इसी को हम लोग इधर उधर करते हैं और विन्यास बना लेते हैं। ध्यान से सुनो, गाइए। अरे बन S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 3D10। तालियां भी थोड़ा बजाइए साथ में, मम्मी पापा अड़ोस पड़ोस में बैठे उन्हें सुनाओ, लगे कि बच्चा हमारा पढ़ रहा। ओ बन S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 3D10, यो, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D, नहीं आता तो संग में गा लो मेरे भाई, आओ। अरे बन्ने, थोड़ा घिनबा के गा ले रहे, आवाज थोड़ी धीमे, टेम्पो कम कर ले रहे गाने, गा जाओ। अरे बन S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 3D10, हो बन S2, 2S2, 2P, ये आपको याद कर लेना है मेरे भाई। ये कहां से आया, ये अफवाहों के नियम से आया, थ्योरी में सब कुछ डिटेल में बताएंगे, अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये कहां से आ गया मेरे भाई, ये आ गया है कहां से बताइए, ये अफवाहों के नियम से आ गया। मान लिया पेपर में आप जैसे इसमें जो विकल्प रहे होंगे उसमें MN भी रहा होगा, इसका सही आंसर MN दिख रहा है, मैग्नीज। तो मैग्नीज का नंबर कितना होता बताओ, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, 25 नंबर होता है मेरे भाई। तो जब इसका विन्यास बनाएंगे तो डी तक पहुंच ही जाएंगे हम लोग, देखना। अरे बने S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D, गिनो भैया, 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20 और 5, 25। हालांकि 3D को पहले भरते हैं, 4S को बाद में लिखते हैं, वो एक लंबा प्रोसेस है, वहाँ अभी फंसने की जरूरत नहीं है, अभी आप इतना समझो। उसका कारण ये होता है आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल के चलते, लेकिन उसे अगर डिटेल में ले जाएंगे तो आप फंस जाओगे, कन्फ्यूज। अभी आप इतना समझो कि जब हमने 25 का विन्यास बनाया, कन्फिग्रेशन बनाया, तो हमें इस गाने में डी ऑर्बिटल तक जाना पड़ गया। डी ऑर्बिटल तक जाना पड़ा, इसका मतलब क्या है कि किस एलिमेंट में डी इलेक्ट्रॉन है, तो जिसमें भैया डी ऑर्बिटल मिल जाएगा उसी में डी इलेक्ट्रॉन है। सर जी समझ में नहीं आया, लियो। मान लिया कोई कहे हाइड्रोजन है भाई, हाइड्रोजन का नंबर कितना होता, एक विन्यास बनवाओ, 1s1, बात खत्म हो गई। जो ऊपर लिखे हुए हैं ये इलेक्ट्रॉन है मेरे भाई, 1s1, एक ही, यहां कहीं डी दिख रहा है नहीं, तो इसमें डी इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। लियो यार, नियॉन का बना लो, नियॉन का नंबर 10 होता है, बनवाओ, बोलो 1s2, 2s2, 2p6, गिन लो, 2, 2, 4, 6, 10, 10 हो गए। अगर ये 10 हो गए, कहीं इसमें डी तक हम लोग पहुंच पाए, नहीं पहुंच पाए, तो इसमें डी इलेक्ट्रॉन नहीं है मेरे भाई। कह रहा है किस एलिमेंट में डी इलेक्ट्रॉन है, तो किस में होंगे डी इलेक्ट्रॉन, जिसमें डी तक विन्यास जाएगा। तो विकल्प में केवल एक मैग्नीज रहा होगा, रट के नहीं जाना है मैग्नीज, आपको एलिमेंट 30 तक याद होने चाहिए, नहीं है याद तो अब याद कर लो। हम तो बच्चों से 9th में कहते हैं, फिर हाई स्कूल में कहते हैं, फिर 11th में कहते हैं, फिर 12th में कहते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, अब फोर्थ सेमेस्टर में आ गए भाई, अब नहीं याद करोगे तो कब याद करोगे, याद कर लो 30 तक तो कम से कम। कमेंट में बताना कितने लोगों को याद है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ऐसे तो याद करोगे ना नाच नाच के, तो याद कर लेना मेरे भाई, ठीक है। तो रियलिटी यही है, आपको थोड़ी थोड़ी चीजें याद करनी पड़ेगी, बाकी जो दिक्कत हो उसे कमेंट में बताना यार, हम अलग से सॉल्व करेंगे, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है मेरे भाई, ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, बल्कि मन लगा के पढ़ना। तो डी इलेक्ट्रॉन किस में होंगे, MN में होंगे डी इलेक्ट्रॉन। क्यों होंगे डी इलेक्ट्रॉन ये भी बता दो, क्योंकि इसका जो कन्फिग्रेशन बनेगा वो डी ऑर्बिटल तक जाएगा। या फिर हम आपको और जुगाड़ बता दे रहे हैं, 21 से लेकर 30 तक वाले, मतलब 21 के बाद जो चलेंगे वो वैसे ही जैसे
स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये सब वैसे ही डी वाले हैं मेरे भाई, 21 से लेके 30 तक। तो ये सब 3D वाले होते हैं। तो अगर आपको नहीं भी पता, विन्यास नहीं आता, तो 21 से 30 तक अगर नंबर पता है तो सब डी वाले होते हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है भाई, अगला देखिए सर, अगला है n बराबर 3 है, l बराबर 1 है, m बराबर 0 है, तो आपको ऑर्बिटल बताना। अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, हर एक क्वेश्चन यहां पे कुछ नया लेके आ रहा है, हर एक क्वेश्चन कुछ आपको सिखा रहा है, ध्यान से समझिए। मान लिया कहीं लिखा हुआ 3s2, सब लोग ध्यान से देखें क्या लिखा हुआ 3s2। आज से कोई कहे इसके लिए n का मान बताओ, L का मान बताओ, ठीक, M तो हटाओ यार, दो पहचान में आ गए तो तीसरा भी आ ही जाएगा। तो जो यहां पड़ोस में लिखा होता, पड़ोस में वो होता है N का मान। बताओ यहां पड़ोस में कितना लिखा है, 3 लिखा है, तो N का मान कितना होएगा, 3 होएगा। टेबल बताई थी, बताओ S P D F 0 1 2 3, एस का मान कितना होगा, 0 होगा ना एल के लिए इस वाली टेबल से। तो यहां पे एल का मान कितना रख दिया मेरे भाई, 0 रख दिया। देखो भैया एन का मान 3, एल का मान 0, जो देखो एन का मान 3, एल का मान 1, तो एल का मान 1 किसके लिए होता, पी के लिए होता है 1। तो चला देखो, हम बताना क्या चाह रहे हैं आपको, बताना ये चाह रहे हैं कि लिखने का तरीका ये होता है कि जितनी वैल्यू दे रखी है, एन का मान 3 है तो 3 लिख लो, एन का मान 3 है तो क्या लिख लो, 3। एल का मान है 1, तो अपनी कहानी याद करो, एस पी डी एफ 0 1 2 3, 1 का मतलब क्या है, पी, तो यहां पे पी लिख दो, यानी थर्ड वाला जो है इसका क्या आंसर हो जाएगा, 3p हो जाएगा। कैसे निकाला हम लोगों ने, ये टेबल का इस्तेमाल किया है। और ये जो पहले लिखा होता है ये क्या होता है, एन का मान होता है। एन क्या है बोलिए, मुख्य क्वांटम संख्या, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है मेरे भाई। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो कॉमेंट करके बताना, फिलहाल तो हम बहुत नॉर्मल लेके चलना है चीजों को। 2p में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताइए, ध्यान से समझिए, 2p में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आप कैसे लिखोगे। यहां देखो सब लोग, ये लिखा हुआ s, p तो एक बहाना है, हमें आपको बहुत कुछ समझाना है। s p d f, s में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सबने 11th में पढ़ा, नहीं पढ़ा तो आप पढ़ो। s में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, P में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, D में 10 आ सकते हैं, और F में 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मेरे भाई, ध्यान से समझना। अब हुआ क्या, हुंड ने कहा, एक आदमी था जिसका नाम था हुंड, उसने कहा एक डब्बे को ऑर्बिटल कहते हैं, एक डब्बे को क्या कहते हैं, ऑर्बिटल कहते हैं। एक ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, कितने आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, एक सीधा एक उल्टा, जिसे अच्छी भाषा में क्लॉक और एंटी क्लॉक कहेंगे। हटाओ, सरल भाषा में एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक डब्बा बनता है, यानी एक ऑर्बिटल, क्योंकि एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। पी में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 3 डब्बे बनते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, 3 पहले क्लॉक, सबको एक एक पूड़ी बटेगी, घर पे कन्या खिलाई होगी, पहले सबको एक एक पूड़ी दी जाती है फिर दोहराई जाती है, तो वैसे सब में 1 2 3 4 5 6, तो 6 इसमें डब्बे कितने बनते हैं बताओ, 3 बनते हैं। ठीक, डी में कितने हैं, 10 हैं, तो डी में 10 हैं तो डब्बे कितने बनेंगे, 5 1 2 3 4 5। अब पहले 5 इलेक्ट्रॉन सबको, 1 क्लॉक 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 क्लॉक, क्लॉक मतलब दक्षिणावर्त सीधा, फिर एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक मतलब उल्टा। उसके बाद एफ में 14 है तो डब्बे कितने बनेंगे मेरे भाई, 7 बनेंगे। एक मोटा मोटा अगर हम आपको अंदाजा दे तो ये सब गया भाड़ में, कायदे से समझो कि 4 ऑर्बिटल हैं, कितने, एस पी डी एफ, एस में इलेक्ट्रॉन 2 6 10 14, यहां डब्बा बनेगा 1, डब्बे बनेंगे 3, डब्बे बनेंगे 5 और डब्बे बनेंगे 7। क्यों बनेंगे, क्योंकि एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इनमें जितने जितने इलेक्ट्रॉन हैं उनके आधे आधे डब्बे बन जाएंगे। ठीक है, तो यहां कह रहा है 2p में नंबर ऑफ ऑर्बिटल बताइए, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना हो जाएगा मेरे भाई, 3 हो जाएगा। क्यों 3 हो जाएगा, क्योंकि p वाले में 2p हो 3p हो 4p हो कुछ भी हो, p में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका मतलब कितने डब्बे बनेंगे मेरे भाई, 3 डब्बे बनेंगे, बात खत्म हो गई। p ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, आपको शेप एक नहीं सारे पता करवाए दे रहे हैं मेरे भाई, 4 चीजें हैं, कितनी चीजें हैं, 4। यहां देखो s p d f, s होता है गोल, जिसे कहते हैं स्फेरिकल, गोलीय। पी होता है डंबल टाइप, जिसे लोग कहते हैं डंबलाकार। डी होता है डबल डंबल, डबल डंबल का दुई डंबलाकार। एफ की कोई निश्चित आकृति नहीं होती, यानी कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो ये पी का पूछ रहा है, तो पी कैसा होगा, डंबल टाइप हो जाएगा। पी की आकृति कैसी हो जाएगी बताइए, डंबल टाइप हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद नाइट्रोजन एटम में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस लॉ को एक्सप्लेन करते हैं, तो लो भैया यहां देखो सब लोग,
नाइट्रोजन का नंबर होता है 7। नाइट्रोजन का नंबर कितना होता है? 7 नंबर होता है। विन्यास बनाएंगे गाना गा के, अरे बन यस टू टू एस टू टू बी थ्री ही आएगा, क्योंकि यहां नंबर 7 ही है, तो 2 2 4 3 7 यहीं तक आएगा। अभी बताया पी में कितने डब्बे होते हैं? पी में डब्बे होते हैं 3, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 डब्बे होते हैं। इस समय इनके पास 3 ही हैं, तो 1 2 3, यानी बिना जोड़े के कितने इलेक्ट्रॉन हैं इनके पास? 3 इलेक्ट्रॉन। ये बात किसने बताई? हुंड ने बताई कि पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, फिर दोबारा से भरा जाएगा। तो ये कौन सा लॉ बता रहा है कि 3 बिना जोड़े के इलेक्ट्रॉन होते हैं? हुंड्स लॉ बता रहा। हुंड ने क्या कही? एक डब्बे को ऑर्बिटल कहते हैं, एक डब्बे में ज्यादा ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक सीधा जिसे क्लॉक कहेंगे, एक उल्टा जिसे एंटी क्लॉक कहेंगे। ठीक है भाई, फिर देखो, कह रहा n का मान 3 है तो m के मान बताओ। बिल्कुल आसान है, इसे भी आप ध्यान से समझें, समझ में आ जाएगा। यहां देखो, n का मान जब भी कभी दिया हो और l का मान ना पता हो, तो l का मान हमेशा n से एक कम होता है, 0 से। l का मान होता है 0 से n माइनस 1 तक। तो n का मान 3 है तो इसका मतलब इसका मान ज्यादा ज्यादा कितना हो सकता है? 2 हो सकता है। L का मान N से एक कम होता है, तो L का मान N से कम यानी 2 हो गया। लेकिन ये पूछ रहा है M का मान, M का मान क्या होता है? प्लस L से शुरू होता है, माइनस L पे खत्म होता है, 0 के संग में। तो प्लस L से शुरू करो यानी प्लस 2, फिर उससे छोटा प्लस 1, फिर 0, फिर माइनस 1 और फिर माइनस 2। देख लो, प्लस L से शुरू, माइनस पे खत्म, 0 संग में आएगा। तो L के कौन कौन से मान होंगे बताइए सर? L के मान कौन कौन से होंगे? L के मान हो जाएंगे, ये देखिए लिखा है 0 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 2। ठीक है भाई, उसके बाद L बराबर 3 है तो M की टोटल वैल्यू बताइए। इसमें क्या करेंगे जरा देखिए, L बराबर है 3। अब इसे भी जरा समझिए, एक फार्मूला होता है, यहां देखिए, सारे नोट करते हुए चलना। फार्मूला होता है इसके लिए 12 प्लस 1 कितना होता है? 12 प्लस 1, यहां मान रख दो। L का मान कितना है? 3 है। चलो रखवाओ, बताओ 2 गुणे में 3 और प्लस में कितना आ गया? 1। तो 3 दूनी 6 और 1 कितना आ गया? 7 आ जाएगा। अगर ऐसे ना निकालना चाहो तो अभी हमने आपको बताया, बताओ कैसे, बताओ m का मान कैसे चलाएंगे बताइए। यहां से शुरू कर, प्लस से शुरू करेंगे, बोलो प्लस 3, फिर प्लस 2, फिर प्लस 1, फिर 0, फिर माइनस 1, फिर माइनस 2, फिर माइनस 3। प्लस वाले से शुरू करेंगे, माइनस वाले पे खत्म करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितनी वैल्यू हो गई? 7। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 7। यानी L बराबर 3 तो M की टोटल वैल्यू कितनी होती है? 7 होती है मेरे भाई। ठीक है, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर है क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको बताना है। तो छोटे क्लास में आपने पढ़ भी रखा है, एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं, क्रोमियम और कॉपर जो होते हैं वो अफबाऊ नियम के अपवाद होते हैं। क्या होते हैं? अफबाऊ नियम के अपवाद। क्रोमियम और कॉपर के बाहरी कोष में एक इलेक्ट्रॉन होता है, बाकी सबके 2 होते हैं। ध्यान से समझिए, क्रोमियम और कॉपर के बाहरी कोष में एक होता है, बाकी सबके 2 होते हैं। गाना कैसे बोलो? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3D में जाएगा 5। अब सर जी, आपने 3D पहले क्यों लिखा है? होता यह है, आवर्त सारणी में आपने 11th में भी पढ़ा होगा, S और P के बीच में हमेशा D रखा जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, आवर्त सारणी कहती है कि भैया D को पहले लिखो, और अफबाऊ का नियम अपना गाना जो है वो कहता है कि 4s को पहले भरो। तो हम लिखते हैं इसे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d छोड़ा, 3d को छोड़ देते हैं और 4s में 2 भर देते हैं। लेकिन क्रोमियम में 1 होता है तो क्रोमियम में 1 भर देते हैं। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 1 19 और 5 आ गए 24। इससे फायदा क्या हुआ? गाने के हिसाब से S पहले भी भर गया और D यानी आवर्त सारणी की इज्जत भी हो गई, जो बीच में भी आ गया, भरा बाद में ही हमने से। सर ठीक है, सब आपने पढ़ रखा है, फिर भी कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। तो ये होता है क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन, जो आपको पता होना चाहिए। फिर है किसी एलिमेंट में 3p इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम है, इसका एटॉमिक नंबर बताइए। 3p इलेक्ट्रॉन मतलब मैक्सिमम है, तो 3p इलेक्ट्रॉन है, तो यहां देखो मेरे भाई, विन्यास बनाओ 3p तक। कैसे बनाओगे बताओ? विन्यास बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 2 2 4 6 10 2 12 और 6 18। कैसे? किसी इलेक्ट्रॉन में 3p इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम है, इसका एटॉमिक नंबर बताइए। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 1s2 2s2 2p6 3 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। तो कह रहा किसी एलिमेंट में
3p इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम हैं, इसका एटॉमिक नंबर बताइए। तो गिनो भैया, 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, और यहां पर मैक्सिमम हैं। तो जरा देखिए, अगर आप चाहो तो p पूरे 6 नहीं भरेंगे, हम लोग क्या करेंगे, 3p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। देखो तीन डब्बे होते हैं, 1, 2, 3, ये मैक्सिमम अनपेयर्ड की बात करी जा रही है, मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 1, 2, 3, 3 आएंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे, 15, या फिर अगर विकल्प में 18, ये अकॉर्डिंग टू विकल्प आया होगा। अगर विकल्प में 18 है तो 3p में मैक्सिमम का मतलब 3p6 भी हो सकता है, तो 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, तो 18 भी, 15 और 18 में जो विकल्प आपको मिल जाए वो वाला विकल्प आप लगा देना, ठीक है भाई। 4s ऑर्बिटल में m का मान कितना होता है, m का मान 0 हो जाएगा। कैसे 0 हो जाएगा, लो यहां देखो मेरे भाई, आपको बताया टेबल से आप याद रखोगे, टेबल क्या है, sp df, l का मान 0 1 2 3, l का मान कितना है 0, m का मान l के मान पर निर्भर करता है, प्लस l से शुरू होता है, माइनस l पे खत्म होता है, इसका मतलब l का मान भी कितना होगा मेरे भाई, 0, m का मान भी कितना हो जाएगा 0, ठीक है। कह रहा 3d10 4s2 के बाद 4p1 आ जाए तो ये क्या होगा, तो ये 31 नंबर गैलियम होगा मेरे भाई, ऐसे बनेगा बिंदास। देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d छोड़ा 4s2 4p1 और यहाँ पे आ गए 10, गिन लो 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 10, 28, 2, 30 और 1, 31, और 31 नंबर होता है मेरे भाई गैलियम। इस वजह से अगर किसी की इसी का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, किसी का आखिरी का विन्यास अगर इतना है तो वो क्या कहलाएगा मेरे भाई, गैलियम कहलाएगा, यानी GA मतलब गैलियम, 31 नंबर होता है, ठीक है। कह रहा एल बराबर 2 है तो ऑर्बिटल बताओ, बताओ भैया एल बराबर 2 टेबल बताओ, sp df 0 1 2 3, 2 आया तो 2 के लिए बताओ कौन सा ऑर्बिटल हो जाएगा, डी ऑर्बिटल हो जाएगा, ठीक है। स्फेरिकल ऑर्बिटल कौन सा होता है, आपको बताया स्फेरिकल मतलब गोलाकार, कौन सा होता है, एस वाला होता है। डंबल टाइप कौन सा होता है, पी वाला होता है। डबल डंबल कौन सा होता है, डी वाला होता है, और कोई निश्चित आकृति नहीं होती एफ की, तो ये कौन सा हो गया बताओ, एस वाला हो गया। इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को प्रैक्टिकली किसने समझाया, तो एक दो आदमी थे, एक का नाम था डेविशन, एक था जर्मर। डेविशन जर्मर एक्सपेरिमेंट किया गया था, डेविशन जर्मर का प्रयोग, उन्होंने बताया था डिटेल में इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर के बारे में। शॉर्ट में बताएं तो वेव वो होती हैं जिनमें वेवलेंथ होती, तरंग दैर्ध्य होती। तरंग दैर्ध्य क्या होती है, प्रकाश एक सेकंड में जितनी दूरी तय करता है उसे हम लोग तरंग दैर्ध्य कहते हैं, ठीक है। इन्होंने कहा था, डी ब्रोगली ने इन सबने, कि जब इलेक्ट्रॉन कभी भी चलता है तो अपने पीछे तरंग छोड़ता हुआ जाता है, अर्थात इसमें वेव नेचर पाया जाता है। इसे प्रैक्टिकली किसने समझाया, कहा डी ब्रोगली ने, समझाया किसने, जर्मर ने और डेविशन ने। डेविशन अगर लिख के आ जाए तब भी ये दोनों थे मेरे भाई, एक आदमी था जिसका नाम क्या था, डेविशन, और एक का क्या था, जर्मर। डेविशन और जर्मर ने एक्सपेरिमेंट किया था, ये इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को समझाया था, आपको पता होना चाहिए, ठीक है भाई। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। अगर मान लिया कोई भी अति सूक्ष्म कण है यार, पंखा है, उसकी स्पीड निकाल लोगे तो पर की स्थिति नहीं बता पाओगे, स्थिति बताने जाओगे तो पंखा बंद कर दोगे, यानी स्पीड नहीं बता पाओगे। यानी वेलोसिटी और, पहला क्या हो गया वेलोसिटी और दूसरा पोजीशन, दोनों एक साथ नहीं बता सकते, दोनों में से एक अनसर्टेन यानी अनिश्चित होगी, यही इनका सिद्धांत था। इसे दिया था हाइजेनबर्ग ने, या जिसे कहते हैं हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। तो अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया, हाइजेनबर्ग या हाइजेनबर्ग ने। दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते, अभी बताया चार क्वांटम संख्या NLMS, चारों के मान सेम नहीं हो सकते, इस बात को कहा था पाउली ने। किसने कहा था, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इसे पाउली ने इस बात को कहा था कि चारों क्वांटम संख्याओं के मान सेम नहीं हो सकते, अगर एन एल एम का मान सेम हो भी जाए तो एस का मान सेम नहीं होगा, इसे पाउली का नियम कहते हैं सर, ठीक है। एल बराबर 2 है तो ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ, बहुत आराम से बता लोगे, आपको बताया sp df, s के लिए 0, p के लिए 1, अभी टेबल बनाई थी, d के लिए 2, तो l का मान 2 किसके लिए है, d के लिए, और d में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 10 होते हैं, s में कितने 2, p में कितने 6, d में कितने 10, तो आंसर कितना 10, उसी टेबल का यूज कर रहा। फिर से अगर नहीं समझ में आ रहा देखो मेरे भाई, ये देखिए sp df, l का मान 0 1 2 3, तो l का मान 2 है तो ये क्या हो गया, d हो गया, और d में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 10,
तो 10 आंसर हो गया, बात खत्म हो गई। बहुत ही आसान है, आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा, डिटेल में आपको बता रहा हूं फिलहाल हम। 5F ऑर्बिटल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे? 7 होंगे। F में डब्बे, नंबर ऑर्बिटल का मतलब डब्बे हैं, कितने डब्बे होंगे? 5F हो, 4F हो, कुछ भी हो, डब्बे कितने होंगे? 7 होंगे, क्योंकि F में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 14 होते हैं, तो डब्बे कितने आ जाएंगे? 7 आ जाएंगे भाई, ठीक है। कार्बन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताओ, बिना जोड़े के इलेक्ट्रॉन आपको कार्बन में बताने हैं। लो बता देंगे भैया, कार्बन का नंबर 6 होता है, विन्यास बनेगा 1s2, 2s2, 2p, 2-2-4 और 2-6। जे लो, P में कितने डब्बे बनाओगे? 3 बनाओगे। इलेक्ट्रॉन बताओ, 1, 2 ही इलेक्ट्रॉन है, बिना जोड़े के पूछ रहा है। देखो, 1 बिना जोड़े का जे है, 1 बिना जोड़े का जे है। सर जी ऐसे क्यों नहीं भर दे रहा 1-2? नहीं, जब हमने क्या कहा, दावत खिलाओगे तो पहले सबको एक एक दिया जाएगा भाई, ऐसे पहले एक तुम्हारा, तुम बैठो भैया थोड़ी देर में, अभी तुम्हारे लिए लेके आएंगे वाला मामला, जब आएगा तो इन्हें देंगे, और आएगा इन्हें देंगे, और आएगा इन्हें, और इन्हें भर गया, पेट भर गया, जब पंगा तड़ाओ दूसरी बैठा लो, तो इस तरीके से। तो इसके पास कितने पी में 2 ही हैं भाई, तो भैया दोनों जो है बिना जोड़े के, अर्थात अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी बिना जोड़े के इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 हैं मेरे भाई, ठीक है। तो जिन लोगों ने एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रखा है या कोर्स को परचेस कर रखा है, ये वीडियो हम कोर्स में भी इंक्लूड करेंगे, ताकि उन्हें ऐड की कोई दिक्कत ना हो, ढूंढना ना पड़े। चैनल पे बहुत सारी प्लेलिस्ट है, तो ये सारी आपको वहां पे भी मिलेंगी। प्लस कोर्स में हम पूरी थ्योरी वाइज चीजें पढ़ाने वाले हैं, 1-to-1 सब कुछ बताएंगे, कैसे कौन सी चीजें होती हैं, क्या क्या होता है, सब कुछ आपको समझाने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हैं कोर्स में एनरोल करना, तो कोई दिक्कत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक डाल देंगे। बाकी 30 डेज के लिए पूरी सीरीज आपके लिए स्टार्ट की जा रही है, आराम से यहीं पर समझिए बहुत सारे क्वेश्चन। अगर हम लोग 20-25 भी कवर करते रहे, तो 600-700 हम लोग विकल्प कवर कर लेंगे एक महीने के अंदर, जो अपने आप में एक बढ़िया टास्क होगा। देखो भाई, मेहनत लगती है, कम से कम आधे घंटे से ऊपर की वीडियो यह हो गई होगी। कोर्स के लिए भी वीडियोस बन रही हैं, चैनल के लिए बन रही हैं, 8-10 घंटे ऑफलाइन क्लास होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो इस मेहनत की कदर करिए, मन लगा के पढ़िए। जो लोग कोर्स में देख रहे हैं, अच्छी बात है, फाइल्स नाम का फोल्डर होगा जहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, वरना आप सीधे टेलीग्राम पे जाइए, टेलीग्राम पे सर्च करेंगे BDKDN BSC, बिल्कुल फ्री में ये सारी पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएंगी। बाकी फिर मिलते हैं कल शाम को 5 बजे, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए तो उसके लिए सॉरी, 5:30 तक वीडियो आ जाया करेगी। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू भाई।